यूट्यूब फैमिली, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीहू सिंह यूपी में। ये देखिए शाम का समय हो गया है और आज मैं शाम को बना रही हूँ पकौड़ी। ये है गोभी, मैंने गोभी को देखिए हल्का से स्टीम कर दिया है, मतलब खोलते हुए पानी में डाल के एक मिनट के लिए। उसके बाद आलू है मेरा, आलू को मैंने काट के तो ये मेरा रखी हूँ, हरा मिर्चा इसकी पकौड़ी में बनाऊँगी। ये है मेरा पनीर, और पकौड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये चटनी है, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्चा, एक कच्चा टमाटर का है, और ये सब तो चीज़ और ये सब तो ठीक है। ये मेरा पकौड़ी बन रहा है, लेकिन पकौड़ी और एक चाय का रिश्ता ही अनोखा है, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी। तो ये देखिए मेरा चाय भी बन गया है, अभी मैं इसको अच्छे से और पका रही हूँ और अच्छे से पक जाए, लगभग लगभग पक ही गया है। अब बारी है मेरा, इसके बाद ये जो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने इसका तैयारी कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बेसन, और ये मैंने ये पीस के रखा है, जीरा है, मरीच है, लहसुन है, और आजकल धनिया पत्ती का मौसम, ठंड का जो धनिया पत्ती हमेशा मिलता है, लेकिन ठंड में धनिया पत्ती उसका अलग ही स्वाद होता है, अलग ही मज़ा आता है। तो इसमें मैंने धनिया पत्ती भी ऐड कर दिया कि बेसन का कुछ अलग फ्लेवर आ जाएगा। तो इस वजह से अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का घोल, घोल बनाऊंगी। और बेसन, और इसमें मैं अपना ये पेस्ट डाल रही हूँ जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, धनिया पत्ती, हरा मिर्चा, जीरा मरीच और लहसुन का, तो इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। उसके बाद ठंड का मौसम है तो अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देंगे, पकौड़ी का भी फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, और ठंड में किसी तरह से अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए मैंने सॉरी चम्मच मेरा गिर गया, तो थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देना चाहिए, इससे अलग ही फ्लेवर आ जाएगा इसका। अब इसमें बचा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हल्दी, ये मेरा हल्दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें नमक, अगर नमक ना डालें तो जितना भी मैंने तैयारी किया सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि नमक ही स्वाद को बढ़ाता है, नमक नहीं रहेगा तो पूरा फीका हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये देखिए नमक अपने स्वाद अनुसार आप लोग जितना डालना हो डाल लीजिए। और सबसे पहले मेरा ये चाय बन गया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस। ये हो गया, अब ये जो मैंने बेसन में सारा सामग्री मिला दिया है, अब इसको मैं मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने के लिए मैंने ये अपने मिक्सर में जो लगा हुआ था सारे मसाले, मैं इसी में पानी ले ली हूँ कि जो भी है नुकसान ना हो, और ये भी इसमें भी है लगा हुआ है। तो सबसे पहले फिर इसको इसमें डालते हैं, अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे, अभी और पानी लगेगा इसमें। देखिए इसका कलर मतलब धनिया पत्ती से डालने से चेंज हो गया है, तो और अच्छा सा दिखेगा और स्वाद भी अलग हो गया। और ये मैं अच्छे से इसको अच्छे से पूरा मिला दूँगी, मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा और मैं पानी डालूँगी। लगभग थोड़ा सा इसमें आधा कप और पानी डालेंगे,
ये मेरा पनीर, हरा मिर्चा के पकौड़ी तो बस मैं अपने लिए बना रही हूँ, अब हमारे यहाँ तीखा कोई नहीं खाता है। ठंड के समय में अच्छा लगता है, शाम के समय चाहे घूगनी घुगनी बना दीजिए तो घुगनी तो रोज़ बनता ही था, हुआ है कि पकौड़ी बन जाए। आज हमारे ससुर जी की फरमाइश थी पकौड़ी बनाना, अरे चलो ठीक है मैं बना दूँगी, तो इनकी फरमाइश पे आज मैं अपना ये पकौड़ी बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा बेसन अच्छे से भून गया, मेरा कढ़ाई में मेरा तेल सरसों का तेल मैंने डाला है, ये देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं ये अपना आलू डालूँगी, गैस को मैंने ना तेज रखा है मैंने तेल, और उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दिया है। अब ये मेरा गोभी, गोभी को हल्का सा मतलब खोलते हुए पानी में डाल करके एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ये तो पकौड़ी बहुत आसानी से तो दोस्तों फाइनली मेरा पकौड़ी देखिए अभी बन रहा है। देखिए मेरा पकौड़ी तैयार हो गया, अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ, निकाल करके सर्व कर दी। अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा पनीर, और एक एक लोग को देते जाती हूँ, पहले मैं अभी देखिए मैं ये मेरा पनीर गया, अब मैं यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ, ये है मेरा गोभी का पकौड़ी, आलू का पकौड़ी, देखिए दोस्तों बहुत इजी तरीके से ये मेरा पकौड़ी बनके तैयार हो गया है, और इसको मैं अब जा रही हूँ देने की इसका टेस्ट कैसा हुआ है, और
देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा पकौड़ी लीजिए। पीयू पीयू पकौड़ी जल्दी खा के बताओ कैसा बना है। कैसा बना बेटा, जल्दी खाओ तो। अच्छा लग रहा है, गरम है ना चटनी। तो ये मेरा पकौड़ी पूरा बन गया, आप लोग देखिए। और ये ले जा रही हूँ अपनी ये सासू माँ के लिए, ये हमारे ससुर जी का है, ये मेरी नानी का है। और ले जाइए, आप लोग भी अपने परिवार को बना बना खिलाइए। सास ससुर का सेवा करना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने देखा है कि मेरी माँ कितने अच्छे से पूरे फैमिली का केयर की है। मतलब अपने हमारे या बाबा का इतना ध्यान रखी पूरे परिवार का। अभी भी हम लोग किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमारी मम्मी का इतना तारीफ होता है कि ऐसी बहू अनाज तक आई है ना आएगी। अभी पापा का मिठाई भी ले लूँ, मैं भूल गई थी इसको भी रखना। इसको ले करके अब मैं जा रही हूँ, नीचे दे करके आती हूँ। आप लोग भी खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, ऐसे सबका सेवा करते रहिए। सास ससुर का सेवा करना बहुत अच्छी बात है और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के ऊपर रख दी हूँ, चलिए मैं देखे आती हूँ। लोगों ने पकौड़ी अपना खा लिया, आप लोग बताइएगा मेरा पकौड़ी कैसा लगा है। पीयू को कैसा लगा है? अच्छा। पीयू को भी अच्छा लगा है और सबको अच्छा लगा, सब लोग बहुत खुश हो गए। आप लोग भी अपना पकौड़ी बनाइए, खाइए, सबको खुश रखिए, प्यार बांटते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बोलो लाइक करना, पुट करना, वीडियो ले आना, ठीक है? हाँ, तो वीडियो हम लोग अच्छा अच्छा बनाएंगे, बोल दीजिए। आप लोग कमेंट किया करिए, कमेंट नहीं करना, ठीक है? बाय बाय।